सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट। दोस्तों, जैसा कि कल आंसर की जारी हो गई है और अब आप सभी लोगों ने अपना आंसर मिला लिया और आप सभी लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनका उत्तर पीएनपी ने अलग माना है और आप सभी लोगों ने अलग लगाया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जिस पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे। आपको पता है कि 1 फरवरी तक का टाइम है। आपको जिस भी क्वेश्चन में लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये आंसर सही होना चाहिए तो आप क्या करोगे, आप updlit.gov जो वेबसाइट है उत्तरमाला की, उसमें जा करके आपको विथ प्रूफ आपत्ति लगानी होगी। यानी कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, किसी NCERT की बुक होनी चाहिए, NCERT प्रकाशन की बुक होनी चाहिए या SCERT की प्रकाशन की बुक होनी चाहिए, जिससे आपका जो जो आपत्ति है, आपने जिस पर भी आपत्ति की है, आपका वो ऑप्शन सही माना जाए। तो इसके लिए आपको NCERT और SCERT की बुक्स के ही साक्ष्य माने जाएंगे या ऐसी बुक जो प्रमाणित हो, तो ऐसे बुक के ही साक्ष्य आपके माने जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जिस पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है या ऐसे कौन से प्रश्न है जिसका आंसर आप आपत्ति दर्ज कराओगे और सही हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जो मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, बाल विकास का, आप देख सकते हो अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक है, अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि। तो पीएनपी ने यहाँ पर क्या माना है, परिपक्वता माना है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे भाई बहन उन्होंने अभिप्रेरणा लगाया है और रुचि लगाया। अब हम देख लेते हैं इसमें से सही कौन सा है। तो आप देख सकते हो विभिन्न राज्यों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पर भी अभिप्रेरणा को सही माना गया है। बी टेट आप देख सकते हो, बिहार टेट में भी प्रेरणा को ही सही माना गया है और यहाँ पर आप देखो, आप कहीं भी देखोगे तो आपको अभिप्रेरणा ही सही मिलेगा। तो इस तरीके से जो अभिप्रेरणा है वो 100% यहाँ पर सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पीएनपी ने परिपक्वता को माना है, इस वजह से अभी आप लोगों को क्या करना है, इस पर आपत्ति दर्ज करानी है। तो इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर डीएलएड की बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि सीखने का प्रमुख आधार प्रेरणा है, यानी कि अभिप्रेरणा ही ऑप्शन सही मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन परिपक्वता को सही माना गया है पीएनपी के द्वारा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए जो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, ये क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो इसमें पीएनपी ने द्रुतगामी विकास का नियम माना है, जबकि सही क्या है, अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम आप देख सकते हो, जब 2017 में यही क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पर अनियमित विकास का नियम सही माना गया था और यही क्वेश्चन 2022 में जब आप देख रहे हो यूपीटेट में पूछा गया है तो इसमें द्रुतगामी विकास का नियम माना गया। पीएनपी अपने ही उत्तर से पलट गई है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, अनियमित विकास का नियम। तो इस पर भी आप आपत्ति दर्ज कराइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो यहाँ पर पीएनपी ने माना है सौर स्थिरांक, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सूर्यताप ही सही है और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी जगहों पर सूर्यताप को ही सही माना गया है। तो इस तरीके से इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट आपत्ति वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि इस पर हाई कोर्ट ने क्या माना था और पीएनपी ने क्या माना था। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो यहाँ पर पीएनपी ने माना है मांसाहारी और हाई कोर्ट ने क्या माना था जब ये क्वेश्चन कोर्ट में गया था, आपको पता है 2017 के यूपी टेट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था सेम, तो हाई कोर्ट ने जीवाणु को सही माना था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पूरा चांस है कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों ही सही होंगे। तो यहाँ पर भी कॉमन नंबर मिलने का पूरा चांस है, तो इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करेंगे अगर आपने जीवाणु लगाया है तो। फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए जो शैशव काल की अवधि पूछी गई है, शैशव काल की अवधि कितनी है। तो शैशव काल की अवधि आप सभी लोगों को पता है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, जबकि पीएनपी ने क्या माना है 6 वर्ष तक माना है, 6 वर्ष तक ये ऑप्शन सही माना है, जबकि होगा क्या, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। इस क्वेश्चन पर आप लोग जरूर आपत्ति दर्ज करवाइएगा। जो शैशव अवस्था नहीं पूछा बल्कि शैशव काल पूछा, जबकि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, तो इस पर आप जरूर आपत्ति दर्ज करवाइएगा और आपको बहुत सारी बुक में इसका प्रूफ विद प्रूफ ये मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और शैशव काल आप यहाँ पर देख सकते हो जन्म से 6 वर्ष तक माना है पीएनपी ने,
जबकि ये सही क्या है, जन्म से लेकर के दो अवस्था तक। सहसव काल पूछा था यहाँ पर, सहसव अवस्था नहीं पूछा था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन, इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करवाइएगा। और यहाँ इंग्लिश में एक क्वेश्चन है जिसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। इसका सही आंसर पीएनपी ने माना है अरेस्टेड, और बहुत सारी जगहों पर एस्टोनिस्ट भी इसका सही आंसर दिया। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है कि ये सही है, तो आप लोग भी इस पर आपत्ति जरूर दर्ज करवाइएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, टू रिंग वंस ओन बेल, ये जो इडियम है इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज इसको लगाया है, लेकिन पीएनपी ने क्या माना है, टू बी वंस पब्लिकली एजेंट, ये माना है। तो इस पर भी अगर आपको लग रहा है यही सही आंसर है, तो आप लोग प्लीज इसको जरूर दर्ज करवाइएगा इस पर आपत्ति। तो इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, लखनऊ समझौता 1916 किसके किसके बीच हुआ था। तो पीएनपी ने माना है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर प्रशिक्षु या बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि नरम दल व गरम दल के मध्य में हुआ था, और इसका प्रूफ भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। लखनऊ समझौता आप देखिए यहाँ पर, नरम और गरम दल में समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता। तो इस तरीके से नरम और गरम दल में भी समझौता, और ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इन दोनों को सही सही माना जा सकता है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर इस पर भी आप लोग आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं इस क्वेश्चन पर भी। और एक क्वेश्चन और है, मनोविज्ञान में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर माना गया है पीएनपी की तरफ से, वो माना गया है कैनन, लेकिन बहुत सारे जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि क्रेस्मर भी सही है। तो यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर, इस बुक में आप देख सकते हो कि क्रेस्मर ने बताया है कि क्रेस्मर ने माना है कि ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व होता है उसके विभिन्न प्रकार हैं, और इस तरीके से यहाँ पर व्याख्या भी की गई है। तो इस पर भी आप चाहें तो आपत्ति बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन और है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कष्टदायक होना भी लगाया है। तो यह भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन पीएनपी ने केवल और केवल ऑप्शन वन को सही माना है। तो इस तरीके से इस पर भी आप लोग जरूर आपत्ति दर्ज करवाइएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। दोस्तों इसको हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सर्वप्रथम किसके सुधार, यहाँ पर आप देख सकते हो निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, समझ अनुप्रयोग सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो पीएनपी ने माना है सृजनात्मकता, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री। और यहाँ पर आप देखिए सृजनात्मकता को सही माना गया है, जबकि मानसिक उत्तीर्ण का संबंध विकल्प चार समस्या समाधान से है। एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक में आप देख सकते हो, अगर आपने समस्या समाधान लगाया है तो ये ऑप्शन भी सही है। और इस पर भी अगर ये सही है और एनसीईआरटी की बुक है, तो ये बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर फोर लगाया है तो कहीं ना कहीं पीएनपी को थ्री और फोर दोनों पर ही मार्क्स देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही सॉलिड आंसर है इसका, और इसको कोई भी काट नहीं सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं कॉमन अंक मिलने निश्चित है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के इस परीक्षा में क्लास 1-5 में, मैंने सारे के सारे बता दिए। अगर क्लास 6 to 8 वाला भी आप कहोगे तो वो भी मैं बता दूंगी। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, प्राइमरी वाला आपका यूपी टेट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी प्राइमरी की ही हमेशा आती है। और क्लास 6 to 8 वाला भी अगर आप लाना चाहते हो, तो इसमें जितनी भी आपत्तियां हैं वो मैं आपको बता दूंगी, और जल्दी ही लेकर के आऊंगी वीडियो, अगर आप लोग जल्दी से अधिक कमेंट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को जहां तक हो सके अधिक से अधिक शेयर करिए, आप उन मित्रों को शेयर करिए जिनका एक या दो नंबर से यूपी टेट नहीं निकल पा रहा है, उनको ये देख करके बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिन पर मार्क्स मिलने निश्चित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो फिर विवादित थे, ऑलरेडी विवादित थे, फिर भी उनको इस परीक्षा में रखा गया तरीके से, फिर इसको भी विवादित बना दिया गया। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक वीडियो मैं आपको आपके लिए ऐसा लेकर के आने वाली हूँ जिसमें किस तरीके से आप आपत्तियों को दर्ज कराएंगे उस वेबसाइट पर, उसको पूरा एकदम हम करके दिखाएंगे आपको, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। तो आप लोग उसको देख करके और अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और शेयर करने के बाद एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि जिन पर और आपत्ति करनी चाहिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कमेंट करिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मैं दे दूंगी, और टेलीग्राम पर आप लोग आपत्ति वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको आप भेजिए और प्लस प्रूफ भी भेजिए ताकि हमें आपत्ति दर्ज करवाने में आसानी हो। तो चैनल से बने रहिए, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों सुपर टेट परीक्षा क्या है, सुपर टेट कितने नंबर का होता है, सुपर टेट का सिलेबस, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। तो चैनल से बने रहिए दोस्तों।